देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मेन रोड स्थित रोस्पा टावर के पास शुक्रवार की रात नरेंद्र सिंह होरा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीच सड़क पर बाइक पर सवार दो अपराधी इस हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। नरेंद्र सिंह होरा पीपी कंपाउंड स्थित आरके इनक्लेव के रहने वाले थे और पंडरा के कृषि बाजार में होलसेल की दुकान चलाते थे। साथ ही अपर बाजार में रिटेल की दुकान भी है। अपराधियों ने गोली मारने के बाद नरेंद्र सिंह के पास रखे दिन भर के सारे पैसे भी लूट लिए। आइए जानते हैं क्या है मामला। पीपी कंपाउंड निवासी नरेंद्र सिंह होरा को शुक्रवार की रात 9:20 पे एक बाइक से आए दो अपराधियों ने मेन रोड स्थित रोस्पा टावर के पास गोली मार दी। अपराधियों ने दो गोलियां चलाई, इनमें से एक गोली नरेंद्र सिंह होरा को लग गई। गोली लगते ही नरेंद्र सिंह होरा वहीं गिर गए। आनन फानन में स्थानीय लोग उन्हें लेकर राज हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह होरा शुक्रवार की शाम अपर बाजार स्थित अपनी दूसरी दुकान को बंद कर स्कूटी से लौट रहे थे। उसी क्रम में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। हत्या करने के पीछे क्या वजह है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने हत्या के बाद नरेंद्र सिंह होरा की स्कूटी लूट ली और उससे भागने लगे। पुलिस ने स्कूटी को रोस्पा टावर के पीछे से कॉसनर कंपाउंड के पास से बरामद किया है। गोली चलते ही रोस्पा टावर के पास अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इसका फायदा उठाकर अपराधी रोस्पा टावर के पीछे कॉसनर कंपाउंड की तरफ भाग निकले। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद डीआईजी अमोल वेणुकांत होमकर, एसएसपी अनीश गुप्ता, सिटी एसपी अमन कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अपराधी जिस स्कूटी को लेकर भागे थे, उस स्कूटी को भी पुलिस ने गौसनर कंपाउंड से बरामद कर लिया है। घटना के संबंध में डीआईजी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला लूटपाट का प्रतीत होता है। लूटपाट के इरादे से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दी गई है। इस खबर से जुड़ी कोई भी अपडेट्स हमारे पास आती है, हम उसे YouTube पर डाल आपको सूचित करेंगे। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।